Good morning, dear students. Today is the storytelling time. Story yani kahani, telling kehna. So today your teacher will be telling you one story. The story is in English. And yes, the story is from your NCERT book. The title of the story is Haldi's Adventure. Haldi here is a name of a girl. हल्दी, आपने ये वर्ड पहले भी सुना है। हल्दी क्या होता है? ये हमारे किचन में एक येलो कलर का पाउडर होता है जो हम कुकिंग में यूज़ करते हैं। हमारे डिशेस का या हमारी करी का जो भी येलो कलर आता है वो हल्दी से आता है। तो वैसे तो हल्दी खाने की चीज़ होती है, लेकिन यहाँ पर हल्दी जो है वो एक लड़की का नाम है। सो द स्टोरी इज़ अबाउट अ गर्ल, हर नेम इज़ हल्दी। एंड there is another word that is absolutely new for you. The word is adventure. Now you have to understand the meaning of this word. Adventure होता है कोई भी हमारा एक unusual यानी कि एक अनोखा experience होता है, हमारा अनुभव, और जो बहुत ही exciting हो या हो सकता है थोड़ा dangerous हो। लेकिन इस story में हम एक exciting experience की बात करेंगे। सो आपको एडवेंचर का मतलब ऐसे समझना है, एडवेंचर मतलब होता है हमारा कोई भी अनोखा, बहुत ही एक्साइटिंग, मज़ेदार हमारा एक एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव। और यहाँ इस स्टोरी में हम इस गर्ल हल्दी की एडवेंचर के बारे में जानेंगे। देयर वॉज अ स्मॉल गर्ल जस्ट लाइक यू, हर नेम वॉज हल्दी। One morning, when Haldi walked to her school, she met an animal. And do you know who was the animal? Okay, I'll give you one hint. This animal is the tallest animal. Which is the tallest animal? This animal has a long, long neck. Right, you guessed it right. It is a giraffe. So, when Haldi was going to school, she met a giraffe. The name of this giraffe was Smiley. When Haldi met giraffe Smiley said, "Good morning, Haldi." आप भी तो अपने टीचर्स को स्कूल में आके बोलते हैं ना, गुड मॉर्निंग मैम, एंड द टीचर्स आल्सो से गुड मॉर्निंग बेटा। सिमिलरली द जिराफ स्माइली आल्सो विश्ड हल्दी, बट हल्दी ने उसको विश नहीं किया। शी केप्ट स्टेयरिंग एट हिम। स्टेयरिंग क्या होता है? घूरना। हाँ, ये हमने किया था ना फर्स्ट पोयम में, स्टेयर करना। नाउ द पॉइंट इज, हल्दी स्माइली को स्टेयर क्यों कर रही थी? क्योंकि कुछ तो था जो उस स्माइली के बारे में अजीब था। एंड एज यू कैन सी द पिक्चर, कैन यू टेल मी क्या अजीब है इस जिराफ के बारे में? करेक्ट, जिराफ के हैंड्स में एक बुक है। देयर इज़ अ बुक इन हिज हैंड्स। तो कोई एनिमल तो कभी बुक लेकर नहीं चलता है, लेकिन स्माइली वॉज होल्डिंग अ बुक। ऑल्सो स्माइली वॉज वेयरिंग बिग ग्लासेस। ग्लासेस होते हैं चश्मा, जिसको हम पढ़ने के लिए यूज़ करते हैं, अपनी आईज में पहनते हैं। सो स्माइली वॉज स्ट्रेंज, अजीब था, क्योंकि वो एक ऐसा एनिमल था जिसने ग्लासेस भी पहने थे और बुक भी पकड़ी हुई थी। सो हल्दी वॉज स्टेयरिंग एट स्माइली, घूर रही थी। हल्दी ने बोला, आई एम सॉरी फॉर स्टेयरिंग, बट आई हैव नेवर मेट अ जिराफ लाइक यू। मैं तो तुम्हारे जैसे किसी जिराफ से पहले मिली ही नहीं हूँ। स्माइली ने बोला, मेरा नाम स्माइली है, एंड वेन एवर यू विल सी मी यू विल स्माइल। तुम जब भी मुझे देखोगी मुझे स्माइल करोगी। हल्दी वॉज सरप्राइज्ड, हल्दी बहुत सरप्राइज हुई कि अरे ये कैसा जिराफ है। बट शी वॉज हैप्पी टू। लेकिन हल्दी बहुत हैप्पी हुई क्योंकि उसको कोई नया मिला। फिर उससे बात करते करते हल्दी को याद आया, ओहो मैं तो स्कूल जा रही थी, आई विल गेट लेट, मैं लेट हो जाऊंगी। सो उसने सोचा कि मुझे स्कूल चलना चाहिए। शी सेड टू स्माइली, आई वुड लव टू टॉक टू यू, मुझे तुमसे बात करना अच्छा लगेगा, बट आई मस्ट रश टू स्कूल, लेकिन मुझे जल्दी जल्दी स्कूल जाना चाहिए, और आई विल बी लेट, वरना मैं स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगी। देन स्माइली सेड,
Not if you ride on my back. If you climb on my back, I will run so fast that you will feel you are flying to school. Do you go to school every day? क्या हुआ? स्माइली ने बोला हल्दी को, तुम लेट तो तब होगी ना जब खुद से पैदल जाओगी, लेकिन अगर तुम मेरी बैक होता है कमर, अगर तुम मेरे पीछे कमर पर क्लाइंब चढ़ जाओगी तो तुम नहीं लेट होगी, तुम्हें ऐसे लगे मैं इतना फास्ट भागूंगा, तुम्हें लगेगा कि तुम फ्लाई कर रही हो और तुम जल्दी से स्कूल भी पहुंच जाओगी। और स्माइली आस्क्ड हल्दी, क्या तुम रोज स्कूल जाती हो? हल्दी सेड, यस आई गो टू स्कूल ऑन मंडे, ऑन ट्यूजडे, ऑन वेंसडे, ऑन थर्सडे, ऑन फ्राइडे, ऑन सैटरडे आई प्ले गेम्स एट स्कूल। सो सिमिलरली आप भी तो सब मंडे आते हैं, ट्यूजडे स्कूल आते हैं, वेंसडे आते हैं। एक चीज़ नोट करने वाली है, हम इसको लिखते वेडनेसडे है पर इसमें डी साइलेंट है, डी की आवाज़ नहीं आएगी, आप इसको बोलेंगे वेंसडे, वेंसडे। थर्सडे को आप आते हैं, फ्राइडे को आते हैं, और जैसे सैटरडे को आपका फन डे होता है, स्कूल में आना होता है बट कोई पढ़ाई नहीं होती है, सिर्फ आपको गेम्स, योगा, ड्राइंग ये सब कराया जाता है, तो हल्दी ने भी वही बताया। इस बात पर जिराफ ने पूछा, जिराफ आस्क्ड हल्दी, व्हाट डू यू डू इन स्कूल, तुम स्कूल में करती क्या हो? हल्दी सेड, आई लर्न अबाउट द स्टार्स, द ट्रीज, द बर्ड्स एंड द एनिमल्स। स्माइली सेड, वाओ दिस इज गुड, आई आल्सो लव द बुक्स। इतनी बात करके स्माइली ने बोला, नाउ जंप ऑन माय बैक, आई विल टेक यू टू योर स्कूल। एंड देन हल्दी इमीडिएटली जंप्ड ऑन स्माइलीज बैक, एंड व्हेन शी रोड ऑन हिज बैक, शी फेल्ट दैट शी कुड सी सो मेनी थिंग्स फ्रॉम द टॉप। टॉप यानी कि ऊंचाई से, क्योंकि जिराफ एक बहुत ही ऊंचा एनिमल होता है, तो जब हल्दी उसकी बैक पर बैठी तो उसको इतना अच्छा लगा क्योंकि वो उस ऊंचाई से, उस टॉप से बहुत सारी चीज़ें देख सकती थी। एंड इससे पहले वो कुछ समझ पाती या सोच पाती, जिराफ इतनी तेज़ रन किया जिराफ ने, स्माइली ने, कि वो स्कूल पहुंच भी गए। When she reached school, वो स्माइली की बैक पर से नीचे डाउन उतरी और अपने स्कूल को देखा। फिर उसने सोचा कि और मैं तो इतनी जल्दी पहुंच गई हूँ, चलो स्माइली को थैंक यू बोल देती हूँ। बट when she turned back, यानी वो मुड़ के जैसे ही उसने पीछे देखा स्माइली को थैंक यू करने के लिए, she found that he had gone away। उसने देखा कि अरे स्माइली तो चला भी गया वापस। ओ हल्दी थॉट, हल्दी ने सोचा, व्हाट अ वंडरफुल एडवेंचर आई हैड। और हल्दी ये सोचकर बहुत खुश हुई कि आज मुझे कितना अच्छा एडवेंचर मैंने किया, यानी कि एक बहुत ही अनोखा, एक बहुत ही मज़ेदार उसको एक्सपीरियंस हुआ। हल्दी वॉज वेरी हैप्पी दैट डे। क्यों? Why? Because she had a wonderful adventure that day. So, this was the story about